हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नाउन से संबंधित जो एरर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साथ ही साथ रूल्स भी लिखाने वाला हूं, तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है वह है द न्यूज आर करेक्ट, यानी कि खबर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका एरर है वह जो आपका वर्ब से संबंधित है, यानी कि न्यूज आपका एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमें आर नहीं बल्कि इज का यूज करना होगा। तो हमें लिखना होगा द न्यूज इज करेक्ट, द न्यूज इज करेक्ट। और फ्रेंड्स, और भी ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स हैं मम्स, यानी जो आपका कंठ का रोग होता है, मीसल्स जो एक जो कसरा होता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बीमारियों के नाम के साथ, यानी इन दोनों बीमारियों के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज और करते हैं, इस चीज को आप माइंड कर लें। उसके बाद आपका हो गया डायबिटीज, यह भी आपकी एक बीमारी है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल दा यूज नहीं होता है। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और फ्रेंड्स सिविक्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन में आपको एस ऐड नहीं करना है, केवल इन्फॉर्मेशन ही रहता है। उसके बाद होगा मिसचीफ, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। मनी, इसका भी प्लूरल नहीं होता है। न्यूज, यह ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। उसके बाद इनिंग्स हो गया, यह भी सिंगुलर में यूज होता है। एडवाइस, यह भी सिंगुलर होता है फ्रेंड्स, इसमें एस या ईएस हमें ऐड करना नहीं होता है। उसके बाद आपका पोइट्री हो गया, तो फ्रेंड्स पोइट्री का भी हमें प्लूरल नहीं बनाना होता है, पोइट्रीज नहीं लिखते हैं। फर्नीचर हो गया, तो फ्रेंड्स फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ऐड नहीं करते हैं। सीनरी हो गया, तो इसे भी हम सीनरीज नहीं लिखते हैं। ये सभी वर्ड आपके सिंगुलर में यूज होते हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क। आई मार्क यानी कि आई कुड नॉट गेट गुड मार्क, यानी मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं किया। वैसे मार्क वाले फ्रेंड्स निशान या चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ आप देखें तो अंक प्राप्त करने की बात की गई है, तो आपको यहाँ लिखना होगा तो गुड मार्क्स, तो आपका सही हो जाएगा। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, आपको मार्क्स लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है द वेगेज ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि पाप की कमाई मृत्यु के समान है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताऊं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उस रूल को, कि अगर हम यहाँ धन कमाने की बात करते तो आपका जो वर्ब होता है वह प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पाप और पुण्य की बात की गई है, तो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना होगा। अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से होता कि हिज वैगेज आर 100 रुपी वीक, तो फ्रेंड्स यह सही होता। अगर धन कमाने की बात होती तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता, लेकिन पाप और पुण्य के लिए आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो आपका आर नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इसके स्थान पर आपको एच का यूज करना है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि 10 भेड़ें मैदान में या खेत में चर रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका सीप है यह हमेशा प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों में, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक समान ही रहता है, इसमें हमें ऐड नहीं करना होता है। अगर यहाँ आप लिख देते 1 शीप तो फिर हेल्पिंग वर्ब एज रहता, लेकिन 10 है तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब तो आपका सही है, लेकिन शीप्स हो गया आपका, तो यह शीप ही रहेगा, प्यूपिल हो गया। ऐसे ही मैंने कुछ और नाउन जो लिख रखे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, उनमें हमें एस या ई एस ऐड नहीं करनी होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे पीपल है, इसमें आपको ऐसे ऐड नहीं करना है। कैटल है, इसमें भी आपको ऐसे ऐड नहीं करना है, यह सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं हमेशा। पॉलिट्री हो गया आपका, वर्मिलियन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, पब्लिक हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया, स्वाइन यानी सुअर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका वर्मिलियन है और ऑडियंस हो गया, ये सभी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इनमें हमें एस या यस नहीं लगानी होती है। और जो आपका डियर और सीप है, इसे आप सब्जेक्ट यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर और प्लूरल में यूज करते हैं, तो आपको यहाँ केवल सीप लिखना है, इसमें से एस को हटा देना है, तो केवल आपका रह जाएगा यहाँ सीप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, यानी घर मरम्मत के अधीन है या अंतर्गत है। तो आपका रिपेयर्स
इसमें आपको एस ऐड नहीं करना होता है, तो यह आपका केवल रिपेयर रहेगा, एस आप हटा देंगे तो हो जाएगा द हाउस इज अंडर रिपेयर। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, इट इज अ नाइस पोइट्री। तो फ्रेंड्स मैं लिख चुका हूँ, यानी कि यहाँ पूरी पोइट्री के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कविताओं के समूह को आप पोइट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ कविताओं के समूह के बारे में नहीं की गई है कि यह एक अच्छा कविताओं का समूह है, बल्कि एक पोयम के बारे में बात की है। तो आपको लिखना होगा इट इज अ नाइस पोयम, इट इज अ नाइस पोयम, या आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ पोइट्री तो सही रहेगा, लेकिन आप पोयम लिख दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो फ्रेंड्स आपको अभी मैंने बताया है इन्फॉर्मेशन सिंगुलर में यूज की जाती है, तो पहले तो आपको यहाँ एस हटा देना है, और आप देखें तो अब जब इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो आपको यहाँ आर की जगह पर एच का यूज और करना है, तो आप लिखेंगे योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मम्स आर डेंजरस। तो फ्रेंड्स देखें मैंने बताया दोनों बीमारियां हैं आपकी, मम्स हो गया या मीजल्स हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, तो आपको लिखना होगा द मम्स और आर की जगह पर फ्रेंड्स आपको लिखना होगा इज, द मम्स इज डेंजरस, यह क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आई सॉ थ्री डियर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में तीन हिरन देखे। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपका डियर का प्लूरल नहीं होता है, तो इसमें से आपको एस हटा देना है, केवल लिखना होगा आपको डियर, अब आपका सही हो जाएगा आई सॉ थ्री डियर इन द फॉरेस्ट, आप चाहे तो उन्हें नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स फुल मैनी आ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसेन। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज नोट करनी है, जो आपका मैनी होता है मैनी, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन आएगा तो फ्रेंड्स प्लूरल आपकी वर्ब भी आएगी। मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में हैं, लेकिन एक चीज आपको नोट करके लिखनी है कि मैनी आ, ये कॉम्पिटेटिव लेवल में बहुत पूछे जाते हैं, मैनी आ यानी कि कईयों में से एक या अनेकों में से एक, तो इसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आएगा, और फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन आएगा तो आप जानते हैं सिंगुलर वर्ब भी होगी आपकी, सिंगुलर वर्ब भी होगी, इस चीज को आप माइंड कर लें। अगर मैनी के बाद प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगी, तो आपको यहां लिखना होगा फुल मैनी आ, तो देख सकते हैं मैनी आ फ्लावर, तो फ्रेंड्स यहाँ फ्लावर्स नहीं रहेगा बल्कि फ्लावर रहेगा, आर आर की जगह पर आपका यूज रहेगा, तो आपको लिखना होगा एक तो आपको लिखना होगा फ्लावर यानी एस हटा देंगे और आर की जगह पर आपको एज लिखना है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा फुल मैनी आ फ्लावर इज वॉर्न टू ब्लश अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के सबसे महान कवियों में से एक हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज आप नोट कर लें, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं वन ऑफ द, यानी सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द के बाद वेरी फ्यू, पॉजिटिव डिग्री में आपको देखने को मिले वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑफ या मैनी अदर, मैनी अदर, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज करना होता है, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, यानी वेरी फ्यू के बाद आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, वन ऑफ द और मैनी अदर के बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वन ऑफ द आया है और सुपरलेटिव डिग्री दिया है, तो आपको यहां लिखना होगा केवल पोइट्स, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आपको लिखना होगा पोइट्स, यानी कि कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम पोइट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री का भी मैं एक एग्जांपल आपको शो कर देता हूं, जैसे ही इज बेटर देन मैनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, ऐसे ही वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, तो आप देखें रिवर्स आ चुका है, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज होली एज द गंगा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर आया है और रिवर्स आपका प्लूरल नाउन आया है।
अगला क्वेश्चन है हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक, यानी कि उसकी कविताएं रहस्यमय हैं। तो फिर से हाँ मैंने बताया आपका या पोइट्रीज नहीं लिखा जाता है बल्कि पोइट्री लिखा जाएगा, तो हिज पोइट्री या हिज पोएम्स ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप पोइट्री लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ हिज का यूज करना होगा, अगर पोएम लिखना चाहते हैं तो आर, तो आप लिख सकते हैं हिज पोएम्स आर, या तो पोएम्स लिख दें हिज पोएम्स, उसके बाद आपको आर लगाना होगा, या फिर लिख सकते हैं हिज पोइट्री इज मिस्टिक, यानी उसकी कविताओं का समूह रहस्यमयी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सम थीफ हैज एंटर्ड माई हाउस, तो एंटर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो यह पूरी तरह से सेंटेंस फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो या आपको कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सेंड करें, लेकिन मेरे हिसाब से यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही बॉट थ्री सोप्स, यानी उसने तीन साबुन की टुकड़ियां खरीदी, तो यह भी आपका करेक्ट सेंटेंस है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन दिया है माई ट्राउजर आर डर्टी, माई ट्राउजर आर डर्टी यानी कि मेरा जो पजामा है वह गंदा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो दो चीज़ें पेयर में होती हैं जैसे आपका स्पेक्टिकल हो गया यानी चश्मा, उसके दो पेयर होते हैं तो वह भी प्लूरल होता है। आपके स्लीपर्स हो गए, शूज हो गए, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और मैंने वर्ड लिख रखे हैं जैसे आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल्स, सीसर्स, यानी सीसर्स माने होता है फ्रेंड्स कैंची, और स्पेक्टिकल्स माने होता है चश्मा, ग्लासेज गॉगल्स जो कहते हैं आप, और हो गया टोंग्स चिमटा, आर्म्स यानी कि भीख मांगना, रिचेज यानी संपत्ति, ट्राउजर्स यानी पाजामा, और आपका हो गया थैंक्स यानी धन्यवाद, रिगार्ड्स शुभकामनाएं, टैक्टिक्स यानी ही चालें, ये हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं, तो ट्राउजर नहीं रहेगा बल्कि फ्रेंड्स आपको यहाँ ट्राउजर्स लिखना है, तो आप लिखेंगे ट्राउजर्स ट्राउजर्स, तो यह आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी हाँ आपको एस ऐड करना है, तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी यानी मेरा पजामा गंदा है। तो फ्रेंड्स वैसे सिंगुलर लग रहा है आपको लेकिन प्लूरल में यूज होता है क्योंकि पेयर में है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, द पुअर इज अनहैप्पी, यानी गरीब अप्रसन्न है, बल्कि द लगा हुआ है किसी एडजेक्टिव से पहले, तो वह पूरी जाति का बोध कराता है, और पूरी जाति का बोध कराएगा तो फ्रेंड्स वह प्लूरल होगा, तो यहाँ आपको इज का यूज नहीं करना है बल्कि आर का यूज करना है, तो आपको लिखना होगा द पुअर आर अनहैप्पी यानी कि गरीब अप्रसन्न है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल, यानी कि उसका लड़का या उसका बच्चा खसरे से पीड़ित है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मीजल, मीजल नहीं रहता है बल्कि मीजल्स, तो इसमें आपको एड यूज करना है, तो आप इसमें कर देंगे मीजल्स, तो हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। अब आपका पूरा सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है यानी सही है। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन दिया है अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, तो फ्रेंड्स जो आपको एपेस्ट्रॉफी एस देखने को मिला है एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो आपके लिविंग होते हैं उनके लिए करते हैं, अर्थात जो जीवधारी होते हैं उनके लिए हम एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राधाज हस्बैंड इज अ टीचर, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप राधाज ये आपका एक लिविंग है यानी डूअर है, तो इसके पहले या इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखें पेंसिल्स यह आपका नॉन लिविंग है, तो इससे पहले आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है बल्कि आपको यह सेंटेंस लिखना होगा, आपको इस प्रकार से लिखना होगा द कलर ऑफ, अब लिखेंगे आप अशोक्स पेंसिल इज रेड, यानी कि अशोक की पेंसिल का कलर लाल है, इस प्रकार से आपको फ्रेंड्स करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इज योर सीसर्स डोल, क्या आपकी कैंची
धारहीन है, डुल माने नीरस या धारहीन है। तो फ्रेंड्स आप देखें सीसर्स आपका हमेशा प्लूरल होता है, तो आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब की जगह पर आपको आर का यूज करना है, तो आप लिख देंगे आर योर सीसर्स डुल, क्या आपके कैंची धारहीन है। अगला क्वेश्चन दिया है ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग्स। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख सकते हैं आप, चेयर्स आपका निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, और उसके बाद एपेस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, तो आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एपेस्ट्रोफी एस का यूज केवल लिविंग के लिए ही करते हैं, तो आपको लिखना होगा द लेग्स ऑफ चेयर, इस प्रकार से होगा फ्रेंड्स, यानी कि ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ अ चेयर। अगला क्वेश्चन दिया है डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं एडवाइसेज में आपको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिंगुलर रहता है, तो एस हटा देंगे, केवल आपका रहेगा एडवाइस। तो करेक्ट सेंटेंस होगा डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, एडवाइसेज नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी कि शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स जो खेलों के नाम होते हैं वह हमेशा देखने में तो आपको प्लूरल हो सकते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है हमें, तो यहाँ आपको आर की जगह पर इज का यूज करना है, यानी कि जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, यानी शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और भी मैंने खेलों के नाम लिखे, आप चाहे तो लिख सकते हैं डार्ट्स, यह भी एक आपका खेल का नाम होता है, और एक होता है ड्राफ्ट्स, और अगला है आपका विल्डर्स, एक होता है बाउल्स। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, ये खेल के नाम है, ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम पर काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो फ्रेंड्स आप देखें अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो आपको यहाँ स्पेक्टिकल्स आपका प्लूरल ही रहता है, तो यह आपको ऐसे ही लिख देना है। अगला है लाइट्स ट्रेवलर्स फास्टर देन साउंड्स। तो एबस्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एस यहाँ से हटाना है और एस यहाँ से भी हटाना है, तो आपको लिखना होगा लाइट और लिखना होगा आपको साउंड, तो यह करेक्ट सेंटेंस हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके। अगला क्वेश्चन दिया है ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर से आपको एडवाइसेज नहीं लिखना है बल्कि केवल एडवाइस ही रहेगा, तो ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, तो आपको एस हटा देना है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन, यानी मेरे कमरे का जो फर्नीचर है पूरा फर्नीचर वह टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया है फर्नीचर प्लूरल नहीं होता है, वह सिंगुलर रहता है, और प्रीपोजिशन के पहले वाले नाम के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो फर्नीचर सिंगुलर होगा, तो यहाँ आपको इज लिखना है, यानी फर्नीचर लिखेंगे एस को आप हटा देंगे फर्नीचर से, और आपको आर की जगह पर लिखना होगा इज, तो सही सेंटेंस होगा ऑल द फर्नीचर इन माई रूम इज ब्रोकन, यानी कि मेरे कमरे का पूरा फर्नीचर टूटा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, यानी कि कवि और बुद्धिमान लोग खत्म हो गए हैं या मर गए हैं। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते हैं, अगर एक ही पोस्ट से पहले द लगा हुआ है तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति दो पदों पर है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ इज का प्रयोग करें, ऐसे नहीं करें तो आप लिख सकते हैं द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, फिर ऐसे सही होगा क्योंकि अब दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। अगला क्वेश्चन दिया है द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि कमिटी अपनी स्वयं की रुचियों के अनुसार इस निर्णय पर या इस बिंदु पर पहुंची हैं या आई हैं। तो फ्रेंड्स जब कमेटी होती है आपकी, जैसा आप देख सकते हैं आगे मैंने लिख रखा है कमेटी हो गई आपकी, जूरी हो गई या गवर्नमेंट हो गई, जब यह कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होती है तो इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है, लेकिन जब यह विभाजित हो जाती है, देख सकते हैं अलग अलग रुचियां हैं अपनी अपनी, तो यहाँ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, तो आपको यहाँ लिखना होगा हैव, यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स हैव, तो हो जाएगा द कमेटी हैव।
हैव लिखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी कि जो जूरी है, पंचायत है, वह अपने अपने मतों में विभाजित हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होती तो आप यहाँ बॉज ही सही था, लेकिन आप देखें विभाजित हो गई है, तो यहाँ आपको वर का यूज करना है, तो आपको लिखना होगा वर। अगला क्वेश्चन दिया है, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्नीचर्स में से आपको एस हटाना होगा, तो लिखना होगा देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अगला क्वेश्चन दिया है, आई लाइक कीट्स पोइट्रीज। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आप पोइट्री का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो पोइट्रीज नहीं रहेगा, बल्कि आपको पोइट्री लिखना होगा, पोइट्री अब सही है, यानी आई लाइक कीट्स पोइट्री, पोइट्रीज नहीं रहेगा। आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट, मैंने उसे एक 10 रुपए का नोट दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे स्कोर यानी कि कौड़ियाँ, 100, 1000, डजन, इनमें हमें ऐसे ऐड नहीं करना होता है जब इनसे पूर्व एक संख्या दी जाती है, यानी इनसे पहले एक संख्या दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक संख्या दी गई है, तो आपको यहाँ इनसे इसमें से एस को हटा देना है, तो आपको लिखना होगा आ 10 रुपी नोट। अगर फ्रेंड्स संख्या ना दी गई होती तो आप इसमें एस ऐड करते। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।